हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शर्मा एक बार फिर से आप सभी का एमिनेंस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट को स्टार्ट कर चुके हैं और इस सब्जेक्ट में हम पिछले वीडियोस में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए ताकि आपकी जो बेसिक फाउंडेशन है फ्लूइड मैकेनिक्स की बहुत अच्छी हो सके। तो उन वीडियोस की लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मिल जाएगी, जहां से जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस क्या होते हैं और कि उन डिवाइसेस से आप किसी भी सिस्टम में जब कोई पाइप फ्लो हो रहा होता है या फिर आपके ओपन एटमॉस्फेयर में जब कहीं फ्लूड अवेलेबल होता है तो उसके सरफेस पर उसके डिफरेंट डिफरेंट हाइट पर कैसे कितना प्रेशर वेरी करता है। तो इन्हीं सभी पॉइंट्स को इस वीडियो में हम जानेंगे, प्रेशर को मेजरमेंट करने के तरीके। दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिले। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक हमने देखा कि YouTube मैनोमीटर में हम एक टाइप के फ्लूड को मेजर कर पा रहे थे। फिर हमने देखा कि दोनों फ्लूड जब दो अलग अलग लाइन में कनेक्टेड हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम देखते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर, और ये डिफरेंशियल मैनोमीटर दिखता कैसे है देखिए। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर होता कुछ नहीं है, यूट्यूब जैसे ही जो हमने पहले पढ़ा वैसे ही है, लेकिन यहाँ आपको एक जो फ्लूड लाइन होती है, मतलब यहाँ पर एक आपके पास पाइप है और पाइप में ये जो फ्लूड है वो फ्लो कर रहा है। आपके किसी भी फ्लूड में, आपके किसी भी पाइप में कोई भी फ्लूड फ्लो कर सकता है। इस फ्लूड की जो डेंसिटी है उसे आप बोल दीजिए रो ए। ओके, अब यहां पर आपको पता करना है कि इन पर्टिकुलर लोकेशन पर, मतलब वन और टू पॉइंट्स के बीच में आपकी जो लाइन है पाइप में उसमें कितना प्रेशर आ रहा है। तो इस प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज किया जाता है। यहां पर भी इसकी डेंसिटी क्या हम कंसीडर करके चलते हैं, मैनोमीटर के फ्लूड की रो एम। यहां पर भी आप देखिए कि दो इंटरफेस बन रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड, या फर्स्ट इसको सेकंड बोल दीजिए। मैंने आपको बताया कि पहले आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहिए और वहां से आपको जो पहले इंटरफेस मिले आपको वहां पर रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहां पर आप रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आपको ये वाली बात पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कंसीडर नहीं करते हैं प्रेशर मेजरमेंट में। ओके, तो जो वर्टिकल हाइट होगी यहां से यहां तक रेफरेंस लाइन की फर्स्ट पॉइंट तक, इसको मैं बोल देता हूं एच। ओके, सिमिलरली अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन से फ्लूड की देखूं मैनोमीटर के, तो मैं इसको बोल देता हूं वाई और इसको बोल देता हूं एक्स। आपको इतना तक समझ आ गया, क्योंकि यहां देखिए जितने तरीके के इंटरफेस बनेंगे उतने तरीके की हाइट्स भी रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। ओके, चलिए अब आप इन जो पॉइंट्स हैं वन एंड टू, तो आपको बताना है पी वन माइनस पी टू कितना होगा। ओके, तो देखिए आपने लिखा P1, आपको P1 माइनस P2 कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया फर्स्ट पॉइंट आप P1 पे आ जाइए। P1 से आप इंटरफेस लाइन पर कहां आ रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो आप पॉजिटिव साइन यूज करिए। और इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, रो ए और G इंटू एच। ठीक है, आपको इतना समझ आ गया। अब रेफरेंस लाइन पर आने के बाद आप इधर तो कैलकुलेट करेंगे ही नहीं, क्योंकि रेफरेंस लाइन के नीचे जो भी होता है आप उसको निगलेक्ट कर देते हैं। यहां से आप जंप लेके दूसरे पॉइंट पर आएंगे और इस रेफरेंस पॉइंट से फ्लूड की हाइट कितनी है वाई, क्योंकि आप ऊपर जा रहे हैं तो माइनस लगाएंगे रो ऑफ एम जी वाई। यहां तक आ गए आप। अभी छोटे से टुकड़े की ये जो डेंसिटी है वो क्या है, फ्लूड की डेंसिटी है माइनस ऑफ रो ए जी इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा पी टू।
तो बस आपको P1 माइनस P2 कैलकुलेट करना था और आपने ये कैलकुलेट कर लिया, रो एम जी वाई प्लस रो ऑफ ए जी एक्स माइनस ऑफ रो ए जी एच। अब आप यहां पर h को कंसीडर कर सकते हैं, h इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई, तो यहां पर आप h की वैल्यू को इंसर्ट कर दीजिए। जब आप h की वैल्यू को इंसर्ट करेंगे तो रो एम जी वाई प्लस रो ए जी एक्स माइनस ऑफ रो ए जी एक्स प्लस वाई, आप इसको रख देंगे। ओके, तो आपको यहां क्या मिलेगा, रो एम, जब आप इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो रो एम जी वाई माइनस ऑफ रो ए जी वाई, और यहां से आप जी वाई कैलकुलेट कर सकते, कॉमन ले सकते हैं, तो जी वाई कॉमन लिया, रो ऑफ एम माइनस रो ऑफ ए। तो ये जो फाइनली वैल्यू निकल कर आई इसको बोल देंगे हम P1 माइनस P2 की वैल्यू। ओके, मैं आपको दोबारा बता दूं, देखिए आपने पहले डिफरेंशियल मैनोमीटर में इंटरफेस ड्रॉ किया, इंटरफेस यानी कि रेफरेंस लाइन, आपने रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने के बाद रिस्पेक्टिव हाइट्स लगा दिए, यहां मैंने मान लिया h, ये बोल दिया x, ये बोल दिया y, ठीक है, h इक्वल टू क्या था, x प्लस y। अब आपको कैलकुलेट करना था P1 माइनस P2, और यहां जो डेंसिटी ऑफ फ्लूड है वो है रो ए, डेंसिटी ऑफ मैनोमीटर है वो है रो एम, तो आपने क्या किया, P1 प्लस क्यों लिया, क्योंकि नीचे जा रहे थे, रो ए जी एच माइनस क्यों, क्योंकि ऊपर जा रहे थे, माइनस ऑफ रो एम जी वाई माइनस ऑफ रो ए जी एक्स इक्वल टू P2, P1 माइनस P2 आपने यहां लिया है, बाकी वैल्यूज को आपने राइट हैंड साइड भेज दिया, राइट हैंड साइड भेजने के बाद आपने एच की वैल्यू को वापस से पुट कर दिया और फाइनली आपकी वैल्यू निकल कर आ गई। चलिए आपको ये समझ आ गया होगा, अब एक अगले तरीके का मैनोमीटर देखते हैं, इंक्लाइंड मैनोमीटर क्या होता है। ओके चलिए, अभी तक हमने जिन भी मैनोमीटर की स्टडी करी है वो या तो U2 मैनोमीटर थे या डिफरेंशियल मैनोमीटर, लेकिन अब हम देख रहे हैं इंक्लाइंड मैनोमीटर। इंक्लाइंड मैनोमीटर कुछ इस तरीके से शो होता है, वहां पर जो लाइन कनेक्टेड होती है मेन स्ट्रीम से और जिसमें हम मेजर करते हैं वो कुछ इंक्लाइंड होती है फ्रॉम द फ्लैट सरफेस एट थीटा डिग्री एंगल। ओके, तो अब आप यहां पर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर अगर आप कोई रेफरेंस लाइन, यही मान लीजिए ये आपकी है एक रेफरेंस लाइन। ओके, तो रेफरेंस लाइन आप मानने के बाद क्या करते हैं, हाइट को डिसाइड करते हैं, तो इसकी जो वर्टिकल हाइट है आपने मान लिया x सेंटीमीटर अबव है, और इसकी जो हाइट है आपने बोल दिया h। लेकिन आप यहां पर ये भी कंसीडर करेंगे, यहां पे जो हाइपोटेनियस लाइन है इसको बोलते हैं l लेंथ। ओके, तो जब आप थीटा को यहां से कंसीडर करेंगे सो साइन थीटा इज व्हाट, h अपॉन l, सो h इज व्हाट, l साइन थीटा। बस आपको ये वाली बात यहां पता होना चाहिए कि रिलेशनशिप बिटवीन h एंड l क्या होता है, बाकी इस वाले मैनोमीटर में कुछ भी अलग नहीं है जो हमने अभी तक पढ़ रखा है। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि रो ऑफ a जो कि फ्लूड फिल है यहां पर और मैनोमीटर के फ्लूड की डेंसिटी है रो ऑफ m, जब आप प्रेशर एट a मतलब pa की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप pa को लिखेंगे, अब आपको रेफरेंस लाइन के लिए नीचे आना है तो आपने लगा दिया पॉजिटिव साइन रो ए जी एक्स, आप रेफरेंस लाइन तक आ गए। अब इस रेफरेंस लाइन से क्या करना है, आपको ऊपर जाना है, तो माइनस ऑफ रो एम जी एच इक्वल टू जीरो, जीरो क्यों, क्योंकि ओपन एंड है, आपको ये पता होना चाहिए ओपन एंड है तो जीरो लगा दिया। सो बस पी ए इज व्हाट, रो ऑफ एम जी एच माइनस रो ए जी एक्स। अब आप चाहेंगे h को कैलकुलेट करना इन टर्म्स ऑफ l एंड sin थीटा, तो यहां आप पुट कर देंगे रो m l sin थीटा माइनस ऑफ रो a जी एक्स। देखा आपने कितनी आसानी से इसको कैलकुलेट कर लिया, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो बहुत अलग हो,
बस आपको ये वाली बात पता होना चाहिए जो कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स है। ओके चलिए अब देखते हैं अपना एक लास्ट एंड स्पेशल केस जो कि पूछा गया है गेट में काफी बार, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो स्पेशल केस क्या है कि आपके पास एक बीकर है और इस बीकर में डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज की फ्लूड जो है वो फिल है। ओके तो आपको पूछा जाता है कि अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा। तो यहां पर मैंने आपको एक डायग्राम बनाकर बताया है जिसमें तीन तरीके के फ्लूड फिल है। ओके रो वन रो टू रो थ्री, उनकी रिस्पेक्टिव डेंसिटीज है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट फ्लूड है, ये आपका सेकंड फ्लूड है और ये आपका थर्ड फ्लूड है। इनकी जो रिस्पेक्टिव हाइट है वो भी मैंने बता दी, H1, H2 एंड H3। और ये जो डाउनवर्ड मतलब उसके जो बेस में एक पॉइंट है ए जिसका प्रेशर आपको पता करना है, पी मतलब प्रेशर एट ए क्या होगा, ये क्वेश्चन पेपर पे डिपेंड करता है। वो आपसे यहां पर भी पूछ सकते हैं, वो आपसे मिडिल ऑफ लेयर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए के पॉइंट पर क्या प्रेशर होगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए बस आपको एक लाइन आनी चाहिए और वो एक लाइन क्या होगी, आप पी वाले पॉइंट से ऊपर जाएंगे तो यही आपकी रेफरेंस लाइन है। इस रेफरेंस लाइन से जब आप ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे और रिस्पेक्टिव हाइट एंड डेंसिटीज का प्रेशर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो रो वन जी एच वन माइनस ऑफ रो टू जी एच टू माइनस ऑफ रो थ्री जी एच थ्री। और ये देखिए मैंने यहां पर आपको एक सिंबल बनाकर बताया है, इसका मतलब है ये है फ्री सरफेस। और जब तक मैं आपसे ना बोलूं कि मुझे एब्सोल्यूट प्रेशर बताओ तब तक आप यहां क्या कंसिडर करेंगे, इक्वल टू जीरो। तो देखिए पीए की वैल्यू क्या बनकर आ गई, रो वन जी एच वन प्लस रो टू जी एच टू प्लस रो थ्री जी एच थ्री। और इस तरीके से आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। देखा आपने कितना आसान था इसको कैलकुलेट करना, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपसे एब्सोल्यूट प्रेशर बोले तो आपको करना क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए ये जो आप एब्सोल्यूट प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो पी एट ए प्लस पी एट एटमोस्फेरिक ऐड करना ना भूलिएगा। बस एटमोस्फेरिक ऐड कर दिया, दैट मींस वो एब्सोल्यूट प्रेशर बन गया। ओके तो देख लिया आपने इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस, मैंने आपको सब बता दिए प्रेशर मेजरमेंट में। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो में यहाँ तक सभी टॉपिक्स को समझने के लिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उन डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने की लिंक भी दी हुई है, अगर आप उसको उस ग्रुप से जुड़ेंगे तो उस ग्रुप पे हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल होते हैं जहां से जाकर आप अपने जो नोट्स मेकिंग है उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपनी गेट की तैयारी अच्छे से करते रहिए। थैंक यू सो मच।